पाकिस्तान आर्थिक बदहाली और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में फंसा हुआ है। वहां बाजवा के रूप में एक मुद्दा बवाल की वजह बन गया है। बाजवा को भारत खुफिया एजेंसी रो का एजेंट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने 6 साल के कार्यकाल में बाजवा ने न केवल भारत के लिए जासूसी की है, बल्कि पाकिस्तान की बेहद गोपनीय जानकारी भारत को मुहैया कराई गई है। यही नहीं, दुबई में बाजवा के बेटे की कंपनी में रोके कई एजेंट भी काम कर रहे थे। पाकिस्तान से चुराई गई जानकारी दुबई के जरिए ही नई दिल्ली भेजी जाती थी। फ्यूचर सर, फ्यूचर इलेक्शन के अलावा फ्यूचर, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अनदर फेज ऑफ इमरजेंसी? मैं फिर पूछ रहा हूं। कोई फ्यूचर नहीं है। इलेक्शन इलेक्शन, अदलिया अदलिया अदलिया, वरना रेल जेल। जो एक धमाका हुआ है और उसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं। सबसे पहले बयान जो है ना, वो बड़े इन्होंने बदले हैं। एक धमाका हुआ है और उसमें बहुत सारी शहादतें हुई हैं। उमर जावेद बाजवा के आर्मी पद से हटने के जब 3-4 महीने होने को आए हैं, अब एक से एक राज खुल के आ रहे हैं। पहले 6 साल जब तक ये व्यक्ति आर्मी चीफ था, किसी पाकिस्तानी नेता की, किसी पाकिस्तानी मीडिया की, किसी कोर्ट वोट इधर उधर या आर्मी के अंदर भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक चू भी इनके सामने, इस व्यक्ति के सामने कर दे। लेकिन आज क्योंकि वो व्यक्ति कुर्सी पर नहीं है, ऐसे ऐसे मामले निकल के आ रहे। और चलो मामले तो जो निकल के आ रहे सो निकल के आ रहे, पाकिस्तानी तो बोल रहे एजेंट, लेकिन वाकई में जितना काम इस व्यक्ति, ये व्यक्ति 6 सालों में कर गया है ना, इकोनॉमी तबाह करना, इंटरनल सिक्योरिटी पूरी तरीके ख़त्म करना, ISI को तहस नहस कर देना, पाकिस्तानी फ़ौज को जो है वो एक पूरी तरीके से कॉरपोरेट बना देना, जो एक धन लोलुप किस्म की फ़ौज बन जाए, जो खाली अपना 2 नंबरी धंधा कर चले उसी पर ध्यान दे, उन्हीं सब चीज़ों में इतना इस व्यक्ति ने फंसा दिया। इमरान खान को बढ़ावा देना, इतनी चीज़ें इसने इस व्यक्ति ने कांड करे हैं, गिनवाने बैठे तो गिनती कम पड़ जाए। इतने कांडों के चलते ही आज पाकिस्तान इतना बर्बाद हो गया है कि अब उसके उभरने का कोई चांस जो है वो कहीं से नजर नहीं आता है। बाजवा के पड़ोसी देशों के लिए काम करने के आरोपों को बल उस वक्त और ज्यादा मिला है जब पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने इस वक्त पाकिस्तान में हड़कंप मचाया हुआ है। मीर कहते हैं कि 21 पत्रकारों के सामने बाजवा ने कहा था कि पाकिस्तानी फौज भारत से सीधे युद्ध नहीं कर सकती है, आर्मी के पास खटारा टैंक है और वे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, न ही सेना के पास इतना पैसा है कि उनमें डीजल भरवाया जा सके। ऐसे में पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी सेना का रक्षा बजट कहां जा रहा है। और बाजवा ने यह क्यों जाहिर किया है कि मदरसा मुल्क में पारंपरिक हथियार युद्ध लड़ने की ताकत में नहीं है। बाजवा ने भारत में मौजूद अपने आकाओं तक पाकिस्तानी सेना की हर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा दी है। जनरल बाजवा के 6 साल के कार्यकाल में भारत ने 2 एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की है। यही नहीं, साल 2019 में एयर स्ट्राइक के बाद पाक सांसद अय्याज सादिक ने भरी संसद में कहा था कि जब विदेश मंत्री सामा महमूद कुरैशी को भारत द्वारा हमले करने की खबर मिली तो उनके पैर कांप रहे थे और शरीर पसीने से सरोबार था। इस बयान से यही मतलब निकल तो कराटे बैंकॉक के शोले और ये कमजर्फ कम अक्ल ज़ेनी पस्ती के शिकार करप्ट डिसऑनेस्ट जो जो क्लीयरेंस देगा वो निकलता जाएगा। और मैं भी चाहता हूं कि ऐसा वक्त आए कि MBS की तरह जिस जिसने फॉरेन में अकाउंट रखा हुआ है, जिसके पास बिलियन डॉलर हैं और पार्क लेन में महल है, इन सबको जेलों में, जिस तरह उसने रिट्स होटल में फेंका ना, तो हम इनको जी लाला के होटल में फेंकेंगे। लाओ पैसे वापस। आर यू हैप्पी विद द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से? इकोनॉमिक तो हमारी जो हालत है बुरी है, फॉरेन पॉलिसी और करंट सिचुएशन ये कहां लीड कर रही है? Nobody is happy with this Billorani foreign policy of घूमिंग फिरिंग ट्रेवलिंग आइंग एंड जाइंग एंड एंजॉइंग। और जिन आदमियों के साथ, 2 बंदों के साथ जाता है, उसका रिकॉर्ड भी ISI अभी से महफूज रख ले कि वो ये कौन से 2 बंदे हैं जो इसके साथ ट्रेवल करते हैं और इसकी किस ख्वाहिश और मजबूरी की बिना पे ये दोनों बंदे इसके साथ होते हैं जहां ये जाता है। और मैंने तो ऐसे मुल्क ही नहीं देखे जहां जा गया कि गुस्टापो और नमीबिया और गोंडा और फलां और फलां। आज भी मैं नक्शे में एक मुल्क देख रहा था कि जहां इसने विजिट किया तो
मुझे तो इन मुल्कों का ही नहीं पता था जो इसने निकाले हैं, लेकिन जो बंदे इसके साथ हैं आसिफ जरदारी को भी पता ये क्यों साथ है। उसकी वजह से दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने के साथ साथ मार्च 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हदें अबूर कर चुका कि इंडिया दुनिया के हर बड़े मुल्क की जरूरत बन चुका है। नीचे जा रहा है मुल्क हर लिहाज से, नोज डाइव। अब आप एक वक्त के लिए सोचें कि अगर ये बायलैटरल ट्रेड एक बार फिर बहाल हो जाए और दोनों मुल्क बैठकर ऐसी तजारती पॉलिसी बना लेते हैं जिससे दोनों मुल्कों का फायदा हो, तो ये इकोनॉमीज के लिए, हम दोनों की इकोनॉमीज के लिए कितना पॉजिटिव स्टेप होगा। अब हुकाम ये कह रहे हैं कि वो शॉर्ट सर्किटिंग हुई है मालखाना में और वहाँ पर बहुत सारा बारूदी असला पड़ा हुआ था तो वो ब्लास्ट हुआ है उसकी वजह से, शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, तो वो सब चीज़ें जब फटी हैं तो बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ है। अभी तक 17 शहादतें जो हैं जिसमें पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और इर्द गिर्द के लोग भी शामिल हैं, वो भी अल्लाह को प्यारे हुए हैं। थोड़ा सा एक जो जिस पर परेशानी है वो ये है कि सबसे पहले बयान जो है ना वो बड़े इन्होंने बदले हैं। सबसे पहले तो ये कहा कि जी ये धमाका हुआ है, फिर उसके बाद चंद घंटों बाद ही बयान तब्दील किया पुलिस ने और ये स्टेटमेंट जारी किया कि ये बिजली उसकी शॉर्ट सर्किटिंग हुई है तो इसकी वजह से मालखाना में जो चीज़ें पड़ी थी, कुछ बारूद था, कुछ और चीज़ें थी, तो वो फटी हैं तो उसकी वजह से ये हुआ सब कुछ। दोनों ममालिक में तजारत ना होने के बराबर रही है, दोनों ममालिक की तरफ से काफ़ी मसाइल हैं जो हल तलब है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारती रुकावट की सबसे बड़ी दलील सियासी तनाजे दिए जाते हैं और इसका सादा सा जवाब है कि जब इंडिया नेपाल के साथ इतने बड़े बॉर्डर तनाजे के बावजूद तजारत कर सकता है, जब इंडिया के शहरी बगैर वीजा के नेपाल जा सकते हैं, बाकी टूरिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया के तजारती ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो सकते। आप चाइना और इंडिया की एग्जाम्पल ले लें, चाइना और इंडिया के दरमियान लद्दाख का मसला बड़ी टेंशन हो गई थी, वहां पर अभी भी है, दोनों ममालिक की फौजें दरमियान में काफी बार उनकी झड़पें भी हुई, लेकिन इन सब के बावजूद दोनों का तजारती वॉल्यूम जो है गुज़श्ता साल 136 बिलियन डॉलर्स रहा। चाइना की बहुत सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो वहाँ पे डिसलोकेट हुई है वो आके इंडिया में लगी है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान में लगनी थी, आगे इमरान खान साहब आ गए। देखिए बात ये है कि जो किसी ज़माने के अंदर अफगानिस्तान था आलमी कुव्वतों का मरकज़ जो था, मतलब बैटल फील्ड बन गया था, वो अब बैटल फील्ड डिसलोकेट होता हुआ या सरकता हुआ अब आ गया है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से भी आगे पंजाब में, और ये गैर मामूली हालात है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉपुलर नारा है और पॉपुलर नारा के पीछे हमारी एस्टेब्लिशमेंट है और एस्टेब्लिशमेंट ने एक पूरी दो नस्लें जवान की हैं। थोड़ा सा जीव था वो लंगड़ा के चल रहा था, लेकिन उस लंगड़ाते जीव का भी पूरी तरीके से खून चूस लिया जाए, ये वही खून चूस लिया। ये 36 बिलियन जो है, ये अगर आज भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में आप देखो 35-40 बिलियन उसमें आप इंसर्ट कर दो, इजेक्ट कर दो, तो वो इकोनॉमी फिर से कम बहुत अच्छी इकोनॉमी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इतनी हो जाएगी कि इतना जो आज मारकाट हो रहा है वो नहीं होगा, एक खुशहाल जीवन जो है पाकिस्तानियों को मिल जाएगा उतने में। तो ये 36 बिलियन जो निकले, ये हाल सब कर्ज़ों में आए और अपने जो इनके अंडरग्राउंड बिजनेस चलते हैं, दो नंबरी बिजनेस चलते हैं अंडरवर्ल्ड के, उन सबसे आए, सबसे पैसा उसने बहुत कमाया, बल्कि इससे ज़्यादा ही होगा, इतना तो एक आंकड़ा है, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। 36 बिलियन डॉलर तो अभी खाली एक खबर खुली, और इससे बहुत ज़्यादा हो, तो इतना पैसा इकॉनमी ख़राब कर दी। इमरान खान को लाने वाला कौन? इमरान खान की इतनी ना क्षमता थी ना इतनी हैसियत थी कि वो इतना बड़ा पाकिस्तान के अंदर नेता बनता। आप आज भी देख लो, इमरान खान की पार्टी जो थी वो आज से 27 साल पहले बनी थी, यानी कि अगर हम 2023 से पीछे जाएं तो 96 में इमरान खान की पार्टी बनी थी, 96 से 2013 तक, 13 या 14, हाँ 2013 तक इनको कुछ भी सफलता नहीं हासिल हुई 17 सालों में। 2013 में इनकी सरकार केपीके के अंदर आ गई, चलो केपीके के अंदर भी लाने में पाकिस्तानी फौज का बड़ा हाथ था, लेकिन चलो एक और वो मान लेते हैं अपने काबिलियत पे इमरान खान लेके आया। केपीके की आबादी कितनी? केपीके में अगर सारे के सारे एमपी जो हैं, यानी जिसको वहाँ पर
एमएनए बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सांसद होता है वहाँ पे एमपी बोलते हैं, उसको एमएनए बोलते हैं, तो सारे के सारे वहाँ पे सांसद के भी जीत भी जाते, दो चार पाँच दस और भी जीत जाते, बहुमत से बहुत दूर, कोसों दूर रहती इमरान खान की पार्टी, कम से कम प्रधानमंत्री बनने लायक तो कभी भी इसको वोट ना मिलते। इमरान खान को लाया गया क्योंकि पाकिस्तानी फौजी थे वो परेशान हो गए थे नवाज शरीफ जरदारी से, तो इन दोनों को आंखें दिखाने के लिए लाया गया इमरान खान को। इमरान खान इतना बड़ा गेम चेंजर निकला, इमरान खान व्यक्ति ही ऐसा है कि उसको आप थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा उसको पुश कर दो वो अपने आप गाड़ी जो है वो स्पीड पकड़ लेती, बस उसने मौके का फायदा उठाया। पूरे चार साल उसकी सरकार डिजास्टर रही, चार साल उसकी सरकार, अगर उसकी पांचवा साल ले आते यानी कि अभी अक्टूबर में चुनाव होते ढंग से, उसकी पार्टी जो है तकरीबन 172 सीटें चाहिए होती पाकिस्तान में आपको सरकार बनने के लिए, 172 में से 72 भी जीतने में लाले लग जाते, इतनी बुरी स्थिति, इतनी बुरी एंटी इनकम्बेंसी थी इमरान खान के खिलाफ। लेकिन क्योंकि उसको हटा दिया और हटा के हीरो बना दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा से खिलाफ बहुत ऐसे कांड किए, बताते चले जाएँ तो दो घंटे भी कम पड़ जाएंगे, जितना ये खमर जावेद बाजवा का कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को सड़क पर लाने में।